और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गई हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर यात्रियों के फंसे होने की भी खबर है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करने का काम तेजी से किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बादल फटने से कई सड़कें बह गई हैं और लोगों के लिए आवाजाही करना बहुत मुश्किल हो गया है। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त भूस्खलन हुआ था उस वक्त की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आपको अभी मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब भूस्खलन हुआ नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से बड़ा हादसा टल गया और पत्थरों की चपेट में पेट्रोल पंप आ गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये मंडी हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें जब भूस्खलन हुआ और आप देखिए पहाड़ के नीचे ही पेट्रोल पंप था और जब भूस्खलन हुआ तो पेट्रोल पंप के नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। तो पहाड़ी इलाकों से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन, लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें भी उफान पर हैं, नदियां नाली भी उफान पर हैं और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भूस्खलन से लोग परेशान हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सैलाब में नाले की पुलियां ही बह गई, जिसके बाद में उफान पर बह रहे नालों को स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आए। जिंदगी को दांव पर लगाकर नाला पार करते बच्चों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है जहां पर स्कूल जाने के लिए बच्चे देखिए किस तरह से इस नदी को पार कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं।